उज्जैन में चुनाव पूर्व पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन आरोपियों से 11 पिस्टल सहित 315 बोर के तीन कट्टे, 12 बोर की तीन देशी कट्टे सहित अन्य सामग्री जब्त की। तीनों आरोपियों को पुलिस ने आकस्मिक चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों की माने तो ये तीनों आरोपी चुनाव के मद्देनजर कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। आचार संहिता में मध्य प्रदेश का अब तक सबसे बड़ा अवैध हथियार का जखीरा पुलिस ने पकड़ा है। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही उज्जैन पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है और इसी के तहत मुखबिर की सूचना पर बीती रात खाराकुआ पुलिस ने जहाज गली में से दो लड़के मोटरसाइकिल सवार को पकड़ा, जिनके पास से एक झोले में अवैध हथियार जब्त किए। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि इंदौर जिले निवासी भरत दोबी महेश गौड़ उज्जैन के शांतिलाल को हथियार सप्लाई करने जा रहे थे। भरत और महेश की निशानदेही पर आरोपी शांतिलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह की अवैध हथियारों की बड़ी खेप को देखकर पुलिस भी हैरान है। अब वो ये पता करने की कोशिश कर रही है कि ये खेप चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी फैलाने के उद्देश्य से तो नहीं लाई गई थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 11 पिस्टल सहित 315 बोर के तीन कट्टे, 12 बोर के कारतूस, 315 बोर के तीन कारतूस, पिस्टल के चार राउंड जब्त किए हैं। उज्जैन पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक गिरोह को पकड़ा गया है जो हथियारों के खरीद फरोख्त में लिप्त था। लगातार कार्रवाई करते हुए दो गैंग पुलिस ने पूर्व में पकड़े थे, उसके बाद तीसरी कार्रवाई में ये हथियार के गिरोह को पकड़ा है, जिसमें पुलिस द्वारा 17 आग्नेय शस्त्र बरामद किए हैं, साथ ही कुछ राउंड भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इस गिरोह में पुलिस ने अभी तक तीन गिरफ्तारियां की हैं, दो सांवेर जिला इंदौर के रहने वाले हैं और एक आरोपी जो है नागझिरी का रहने वाला है। पुलिस द्वारा और भी इनसे पूछताछ की जा रही है, कुछ अन्य भी खुलासे इसमें हो सकते हैं। अभी तक पूछताछ में सामने नहीं आया है, लेकिन हथियार जो अवैध हथियार हैं उनका प्रयोग निश्चित ही जो है अपराध करने में ही होता है और अपराध किसी भी समय किया जाए ये तो बहुत ही संवेदनशील समय है जब आचार संहिता लागू है, इसलिए विशेषकर सतर्कता बरतते हुए पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्रवाइयां की जाती है। तो हथियारों का जो अवैध हथियार है उनका प्रयोग अपराध में ही होता है, इसलिए इनको पुलिस ने सजगता से पकड़ा है और आगे भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता में जो कार्रवाइयां अभी तक पुलिस द्वारा की गई हैं तो ये काफ़ी जो है पुलिस का मुखबिर तंत्र और जो चेकिंग है इसमें लगती है और पुलिस टीम ने काफ़ी इसमें गैंग भी पकड़े हैं, हथियार भी बरामद किए हैं और लगातार इस प्रकार की सूचना पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो मुझे लगता है संवेदनशील समय में ऐसी कार्रवाई होने से जनता का जो विश्वास है पुलिस के प्रति बढ़ता है और साथ ही अपराधों में कमी आती है।